नंद कुमार आपका मित्र आपका भाई अभी मौजूद हूँ, देख पा रहे हैं मुझे थोड़ा सा दिखाइएगा। जिला मंडल एवं परामर्श केंद्र गया के पास हम लोग मौजूद हैं और आज से डीवी स्टार्ट हो चुका है 1-5 का और माध्यमिक उच्च माध्यमिक का मैंने उच्च माध्यमिक का माध्यमिक का तो रिजल्ट हो सकता है आज दे दे। कुछ सब्जेक्ट का नहीं दिया है प्लस टू में, उसका भी दे दे, उसका भी डीवी तो चल ही रहा था, लेकिन आज से डीवी 1-5 का स्टार्ट हो चुका है। लेकिन बहुत बहुत दुख की बात है और खेद की बात है खास करके नियोजित शिक्षकों के लिए। देखिएगा इधर दिखाइएगा, अभी अंदर हमारे दर्जनों नियोजित शिक्षक हैं, अभी जा आ रहे हैं, दर्जनों सैकड़ों का है तो ज़्यादा बेटर नहीं सर, सैकड़ों नियोजित शिक्षक हैं, हजारों की संख्या में है पूरे बिहार में, हजारों हजार की संख्या में और वहाँ पे मौजूद हैं। हम लोग डीवी कराने के लिए यहाँ पे लोग आए हैं, लेकिन समस्या क्या है कि अलग अलग विद्यालयों में दिया जाएगा, बताइए किसी को भी चल गया जिला से सर ना, हमारे भाई हैं, क्या नाम है सर? मुकेश कुमार है, हमारे गया जिला के, अभेद्या कहाँ? भागलपुर नहीं, ये भैया हैं गया जिला के, अभेद्या समस्तीपुर, एगो भैया हैं कटिहार के, गया जिला के, अभेद्या कटिहार, किसी का किशनगंज भेज दिया। नियोजित शिक्षकों के साथ ये अत्याचार है, हम यहाँ है और हमरा भेज दिया, बताइए कहाँ? किशनगंज भेज दिया, अररिया कटिहार नहीं। सरकार से निवेदन और आग्रह है और खास करके नियोजित शिक्षक इसको शेयर जरूर करिएगा, खास करके नियोजित शिक्षक इसको शेयर कीजिएगा और अनेक चैनल पे भी चलाया जाए कि नियोजित शिक्षक को अपने ही स्कूल में क्यों न रखा जाए, अपने ही स्कूल में रख लिया जाए उसको, जिससे ना सरकार को परेशानी होगी और ना ही शिक्षक को परेशानी होगी, ना शिक्षक अभ्यर्थी को परेशानी होगी। सर क्या कुछ बोल रहे हैं? शिक्षक अभ्यर्थी जो है इसमें वो उनके लिए सीट भी वैकेंट रह जाएगा, सही बात भी नहीं जी, सीट जो डबल सीट का नुकसान हो रहा है, एक तो जो पहले नियोजित शिक्षक है वो सीट खाली हो जाएगा और वो जो बहाल होंगे वो सीट भी जाएगा, तो सीट का तो डबल नुकसान हो रहा है। इससे बढ़िया है कि जहाँ जो नियोजित शिक्षक अभी हैं वही उनको राजकर्मी दे दिया जाए और बाकी जो सीट खाली रहे उस पर दूसरे जो वेटिंग में उनको बहाल कर दिया जाए। सही बिल्कुल, और खास करके बहुत ही खुशखबरी की बात है कि जो खास करके जो फ्रेशर कैंडिडेट हैं उनके लिए डीवी जांच हो चुका है, अपने अपने सीरियल के अनुसार डॉक्यूमेंट को अधिक करते हुए आप भी अपना अपना वेरिफिकेशन करवाइए और विद्यालय में ज्वाइन कीजिए। पूरे बिहार के तमाम फ्रेशर कैंडिडेट्स को भी हम लोग हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं कि जितना का हुआ है बीपीएससी आप लोग धन्यवाद के पात्र हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी सरकार अगर नरमी बरते नियोजित शिक्षक के साथ बहुत बड़ा गलती हुआ है, ना वो घर का है और ना बेचारा घाट के, ना घर के है और ना घाट के है, इसलिए नियोजित शिक्षक के लिए सरकार अपने ही विद्यालय में उसको रखा जाए और इसको आवाज़ उठाइए। नियोजित शिक्षक अपना अपना आवाज़ नहीं उठाते हैं, यही सबसे बड़ी कमी।